Good morning, everybody. It is 5 a.m. in the morning, and I'm at Makluksi Ganj, going to my first spot, and I'll let you know pretty soon which one is that. So, Makluksi Ganj actually took us an hour and a half drive from Ranchi, and say about a 4-hour drive from Jamshedpur. Though I did not make the entire journey in one day, I first traveled to Ranchi, and then from there I traveled to Makluksi Ganj. But nonetheless, this place is worth all the effort and hard work to come to this place. Because if you see, as far as you can see, all that you would find are jungles. And this is all inside the campus that I am living this time. This place is very pretty, and I am hoping that the place that we are going right now, that's even more beautiful. So stay tuned, and I'll update you shortly where we are going next. Bye bye. पांच एकड़ में फैली हमारी ये बंगलो टिर्की हेरिटेज होमस्टे के पास खुद का एक जंगल और पर्सनल वाटरफॉल भी है। इस पूरे बंगले की मैं आपको सैर कराऊंगा अपने आने वाले वीलॉग्स में। फिलहाल चलते हैं मकलुक्सी गंज के हमारे पहले स्पॉट पे, जिसका नाम है डेगा डेगी। मकलुक्सी गंज अब बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है रांची में। वैसे मकलुक्सी गंज अब बाय बस भी आ सकते हैं, बट वो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि विद इन सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आपको सिटी में कोई एरिया घूमना है तो आपके पास आपकी पर्सनल एक 2-व्हीलर या 4-व्हीलर बहुत जरूरी है। वेल, एज अ लैंडमार्क रास्ते में पड़ेगा ये एक रेलवे क्रॉसिंग, और आगे जाके आपको मिलता है गुलमोहर गेस्ट हाउस। जमशेदपुर से रांची और फिर रांची से मकलुक्सी गंज, इस पूरे सफर में सारे के सारे रोड्स काफी स्मूथ थे। वैसे मैं तो रुका था टिर्की हेरिटेज होमस्टे में, बट मकलुक्सी में और भी बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि ड्रीम डेस्टिनेशन बंगलो, राणास कंट्री कॉटेज, राज बंगलो और बहुत सारे। बट इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। मकलुक्सी में बहुत ज्यादा दुकानें नहीं हैं, तो आप जब भी यहां आए अपनी बेसिक टॉयलेटरीज, मच्छर मारने का क्रीम या कॉयल और अपनी बेसिक मेडिसिंस हमेशा कैरी करें। मेरे हिसाब से आप मकलुक्सी गंज में जब भी कोई स्पॉट एक्सप्लोर करने जाएं, एक लोकल गाइड हमेशा रखें, क्योंकि यहाँ GPS और इंटरनेट तो है, बट गूगल में ये सारे लोकेशंस मार्क नहीं है, तो आपके पास कोई मैप नहीं होगा इन सारे जगहों पे पहुंचने के लिए। और हाँ, झारखंड में आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, स्पेशली ऐसे जगहों पे, तो हमेशा वहाँ की लोकल और देसी फूड ट्राई करें। कंचनजंगा जैसे और भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं मकलुक्सी में, जहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों डिशेज मिल जाएंगे। करीबन 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं मकलुक्सी गंज में अपने पहले स्पॉट पे, और वो है डेगा डेगी।
वेल डेगा डेगी को हम छठी नदी भी कहते हैं और ये मक्लुस्की का काफी फेमस पिकनिक स्पॉट है। अगर मक्लुस्की आप पार्टी के मूड से आए हैं तो बेहतर यही होगा कि अपनी सारी अल्कोहल आप रांची से ही खरीद लें। ये नदी एक परफेक्ट स्पॉट है फॉर अ फैमिली पिकनिक, अ कपल्स डे आउट या फिर एक आउटिंग विद फ्रेंड्स। बट कोशिश यही कीजिए कि आप बिफोर सनसेट डेगा डेगी नदी से निकल जाएं। झारखंड की मिट्टी काफी ब्राउन है, इसीलिए डेगा डेगी नदी की कलर भी काफी ब्राउनिश है, बट वैसे ये नदी बहुत ही ज्यादा साफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके कि मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करूं और आप सबके लिए वीलॉग्स बना सकूं। हेलो एवरीबॉडी, सो आई एम राइट नाउ इन अ प्लेस कॉल्ड डेगा डेगी। द नेम साउंड्स रियली वियर्ड बट दैट्स हाउ इट इज एंड वेल इट्स अ क्यूट लिटिल प्लेस इफ यू सी स्मॉल रिवर फ्लोइंग थ्रू dense jungle. Well, the feel here is, and the vibe here is amazing. This looks more of an unexplored place so far. I don't see any people or their proofs of humanity here, because I don't see any dirt, any garbage spilled here. So looks like pretty unexplored to me, and I kind of like this place. So we are done with Dega Degi. Now we are on our way to the next location, and I'll let you know pretty soon. Bye bye. डेगा डेगी नदी का यह वीलॉग हमारा यही खत्म होता है। मिलते हैं जल्द ही एक नई जगह और एक नए वीलॉग। तब तक के लिए नमस्ते।